नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड जिला मैथ की तैयारी के मूल पेपर से है और ये क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के तिरछखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो है एक वृत्त का तिरछखंड है जिसका त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है और उस तिरछखंड का जो केंद्रीय कोण है वो 30 डिग्री है। तो हम लोग को जो है इस तिरछखंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये देखिए हल वाले जो क्वेश्चन दिया गया है इसको लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि वृत्त के तिरछखंड त्रिज्याखंड का त्रिज्या बराबर त्रिज्या का जो है आर लेते हैं तो आर बराबर जो है कितना दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तथा इस त्रिज्याखंड का जो है केंद्रीय कोण कितना दिया गया है तो 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तथा वृत्त त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण बराबर केंद्रीय कोण बराबर जिसको हम लोग थीटा मानेंगे तो वो है 30 डिग्री। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अतः वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ देखिए पाई का मान जो है यहाँ पर लेंगे 22/7 गुने आर का मान जो है कितना दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर गुने थीटा जो है कितना है तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। अब देखिए जब 30 डिग्री से जो है 360 डिग्री में भाग देंगे तो आएगा 12। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 22 × 4 = 16 / 7 × 12। अब देखिए यहाँ पर 4 × 3 = 12 / 4 = 16। तो यहाँ पर जो है 22 × 88 / 7 = 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना तो 88 / 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो है अपना आंसर आ गया।